बच्चों मेरा नाम वीरेश कुमार है मैं भारतीय भाषा संस्थान में हिंदी का रिसोर्स पर्सन हूँ और आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ आज मैं आठवीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक दूरबा भाग तीन में संकलित एक बहुत ही सुंदर गद्य रचना को लेकर उपस्थित हुआ हूं यह एक संस्मरण है संस्मरण में लेखक अपनी यादों के आधार पर किसी घटना व्यक्ति या स्थान का वर्णन करता है इसमें एक लड़की वर्ष उन्नीस में भोपाल में हुए गैस लीक कांड के अपने अनुभवों को बताती है भोपाल हमारे देश के मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है यहाँ यूनियन कार्बाइड नामक कीटनाशक बनाने वाले कारखाने में गैस का रिसाव हुआ था इसमें लगभग सोलह हजार लोगों की जान गई थी और लगभग साढ़े पांच लाख लोग विभिन्न प्रकार के कष्टों का शिकार हुए इसी घटना के बारे में इस पाठ में बताया गया है जिसका शीर्षक है वह सुबह कभी तो आएगी इस कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थी गद्य वाचन की आदर्श शैली से अवगत होंगे इस रचना के मूल भाव को समझकर उसे अपने शब्दों में व्यक्त कर सकेंगे रचना में आए नवीन शब्दों के अर्थ समझकर उनका वाक्यों में प्रयोग कर सकेंगे किसी औद्योगिक दुर्घटना के बुरे प्रभावों को जान सकेंगे रचना के मूल संदेश को आत्मसात कर सकेंगे आइए अब इस रचना का आदर्श वाचन करते हैं वह सुबह कभी तो आएगी मैं बहुत छोटी थी जब गैस ऋषि थी मेरी अम्मी बताती हैं कि वह मुझे जकड़कर जहांगीराबाद भागी थी मेरी याददाश्त में मैंने अपना पहला कदम बीमारी में ही बढ़ाया था और अब भी मैं उससे बच नहीं पाई हूं बीच में कुछ समय तक राहत थी पर अब फिर सब कुछ वापस आ गया है मेरा गला और आंखें सूज जाती हैं मेरा चेहरा सूजन की वजह से बड़ा रहता है गले से अंदर ही अंदर खून बहता है मेरी सांसें बुरी तरह से फूलने लगती हैं और मैं होश खो देती हूं मेरे पूरे बदन पर लाल लाल धब्बे हैं शुरू में ये धब्बे एक एक रुपए के सिक्के जैसे बड़े थे पर अब तो ये छोटे हो गए हैं मेरे दाहिने पांव के कारण मुझे चलने में दिक्कत होती है और मेरे पैर देखो ये छाले पड़े हुए हैं कितना कुछ हुआ है हमें हमारी जिंदगी गैस के कारण हमेशा के लिए बदल गई है मेरे अब्बू इस दुर्घटना के कारण खत्म हो गए जब हम बहुत छोटे थे मेरी मां की मानसिक हालत बिगड़ गई वह दरवाजे पर बैठकर अब्बू का इंतजार करती रहती थी हमसे कहती कि अब्बू घर आने वाले हैं उनके लिए चाय बना लें वह उनके पैरों की आहट सुनती और चिल्लाकर कहती कि वे घर आ गए हैं हम उनसे कहते कि अब्बू मर चुके हैं पर वह हमसे कहती कि ऐसी बातें नहीं कहते और अगर हम फिर ऐसा कहते तो वह हमें मार देती हम उनसे कहते कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो उनकी देखभाल करेंगे डॉक्टर लोग हमसे कहते कि उन्हें खुश रखा करें पर उनकी हालत देखकर रोए बिना रह पाना मुश्किल होता था यह सब कुछ महीनों तक चलता रहा धीरे धीरे किसी तरह अम्मी ने अपने आप को संभाला शायद इस एहसास ने उन्हें ठीक होने में मदद की कि उन्हें ही कुछ उपाय करने होंगे ताकि हम सब जिंदा रह सकें मेरे अब्बू की एक दुकान थी किसी ने उन्हें समझा बुझाकर वह दुकान पांच सौ रुपये में बिकवा दी जब तक वह पैसा चला हमें खाने को मिला फिर मेरी अम्मी कितनी जगहों पर गईं हर जान पहचान वाले के पास उधार मांगने उन्हें दूसरों के लिए काम भी करना पड़ता तिस पर मेरी सेहत ने मेरी अम्मी से इतना खर्च करवाया है मैं हमेशा से ही बीमार हूँ मेरी एक जुड़वा बहन है जो बिल्कुल ठीक है मेरी अम्मी चिल्ला पड़ती थीं कि वह मेरे इतने बीमार रहने और इतने पैसे खर्च करवाने से तंग आ गई हैं एक बार की बात है जब मैं बहुत बीमार थी किसी ने मेरी अम्मी से कहा कि मुझे एक प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाएं। वह डॉक्टर अच्छा माना जाता है मुझे नर्सिंग होम ले जाया गया डॉक्टर ने उन्हें बताया कि मैं मरने ही वाली हूं और मेरे इलाज के लिए सिर्फ नर्सिंग होम के बिस्तर का ही खर्चा ढाई सौ रुपये हर दिन का आएगा इलाज का अलग मेरी मां ने उन्हें बताया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं तब उसने कहा कि मुझे घर ले जाएं पर वह नहीं मानी मैं वहीं पड़ी रहती जब तक कि दोपहर को वह न आती मुझे नहीं मालूम कि वह कहाँ से पैसे लाती पर वह मेरे इलाज के लिए कुछ पैसे जुटा ही लेती अब मैं आयुर्वेद की दवाएं लेने लगी हूँ और उससे मुझे काफी आराम है मेरे पाँव के छाले सूख रहे हैं पसलियों का दर्द चला गया है चेहरे की सूजन सिर दर्द बदन दर्द और गले से खून बहना बंद हो गया है अब मुझे पहली बार ऐसा लगने लगा है कि मैं ठीक हो सकती हूं मैं यह जानती हूं कि अभी हमें बहुत दूर जाना है मैं इतनी खुश रहती हूं मैं तो अब जीना चाहती हूं सलमा विद्यार्थियों आपने इस संस्मरण के पाठ के दौरान कुछ अपरिचित शब्दों पर गौर किया होगा तो आइए अब उन शब्दों के अर्थ और वाक्यों में उनका प्रयोग जानते हैं याददाश्त मेमोरी स्मरण शक्ति वाक्य प्रयोग विद्यार्थी की याददाश्त कमजोर नहीं होनी चाहिए सूजन स्वेलिंग किसी अंग का फूल जाना वाक्य प्रयोग चोट लगने से सूजन आ जाती है सिक्का क्वाइन धातु का रुपया वाक्य प्रयोग मेरे पास एक रुपये के दस सिक्के हैं अब्बू, फादर पिता वाक्य प्रयोग उसके अब्बू उसे बहुत प्यार करते हैं इंतजार वेटिंग प्रतीक्षा वाक्य प्रयोग इंतजार की घड़ियां लंबी होती हैं एहसास फीलिंग अनुभूत वाक्य प्रयोग मुझे अपने बुद्धिमान होने का एहसास है सेहत स्वास्थ्य वाक्य प्रयोग हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए प्राइवेट निजी वाक्य प्रयोग आजकल प्राइवेट डॉक्टरों का इलाज बहुत महंगा हो गया है नर्सिंग होम चिकित्सालय वाक्य प्रयोग मेरे शहर में कई नर्सिंग होम हैं आयुर्वेद चिकित्सा की प्राचीन भारतीय पद्धति वाक्य प्रयोग आयुर्वेद में कई बीमारियों का अचूक इलाज है पसलियां रिब्स सीने के दोनों तरफ की हड्डियां वाक्य प्रयोग हमारे शरीर में 24 पसलियां होती हैं आइए अब इस रचना के मूल बिंदुओं पर विचार करते हैं यह संस्मरण वर्ष उन्नीस में हुए भोपाल गैस लीक कांड की विभीषिका को दर्शाता है इसमें एक लड़की उस घटना के अपने अनुभवों और उस कारण हुई परेशानियों की चर्चा करती है गैस के कारण उसके पिता की मौत हो जाती है उसे भी तरह तरह की शारीरिक परेशानियां होती हैं जैसे गला और आँखों में सूजन आ जाना चेहरा भी सूज जाना गले के अंदर ही अंदर खून बहना पैरों में छाले पड़ जाना आदि उसकी माँ हर तरह की मुसीबत उठाकर उसका लालन पालन और इलाज करवाती है अंत में वह आयुर्वेदिक दवा खाना शुरू करती है जिससे उसे काफी फायदा होता है इससे उसकी जिंदगी में आशा की एक नई किरण दिखाई देती है इसलिए इस रचना का शीर्षक दिया गया है वह सुबह कभी तो आएगी यह रचना जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की प्रेरणा देती है आइए अब हम इस पाठ की रचना कला को समझते हैं यह रचना एक लड़की की बचपन की यादों पर आधारित है इसमें आसान भाषा और सरल शैली का प्रयोग किया गया है एक औद्योगिक दुर्घटना के कारण एक बच्चे को होने वाली तकलीफों का वर्णन इस रचना में किया गया है इसमें रचना की मैं शैली अपनाई गई है जिसमें रचनाकार स्वयं अपनी कहानी कहता है इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है मैं बहुत छोटी थी तब गैस ऋषि थी मेरी याददाश्त में मैंने अपना पहला कदम बीमारी में ही बढ़ाया था आइए अब हम इस पाठ में प्रयुक्त व्याकरणिक बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं किसी भी रचना के तीन मुख्य व्याकरणिक बिंदु हो सकते हैं शब्द प्रयोग वाक्य संरचना और अर्थ की अभिव्यक्ति आगे इन्हीं बिंदुओं की दृष्टि से इस रचना पर विचार किया गया है इस रचना में रोजमर्रा के जाने पहचाने शब्दों का प्रयोग किया गया है इनमें तद्भव देशज और विदेशज तीनों प्रकार के शब्द शामिल हैं जैसे रिसना सूजना गला फूलना धब्बे सिक्के पाँव छाले आदि इसमें उर्दू और अंग्रेज़ी के शब्दों का भी खूब प्रयोग हुआ है जैसे कदम या दास्त राहत वजह होश खून दिक्कत ज़िंदगी अब्बू अम्मी हालत दरवाज़ा एहसास सेहत आदि उर्दू शब्द हैं इसी प्रकार प्राइवेट डॉक्टर नर्सिंग होम आदि विदेशज शब्द हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं इस रचना के वाक्य छोटे छोटे हैं जैसे मेरे अब्बू इस दुर्घटना के कारण खत्म हो गए तब हम बहुत छोटे थे मेरी मां की मानसिक हालत बिगड़ गई इसमें कई मुहावरों का प्रयोग भी किया गया है जैसे कदम बढ़ाना होश खो देना जिंदगी बदल जाना खत्म हो जाना पैसा चलना आदि मेरे प्यारे दोस्तों आशा है आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा अब आपके लिए कुछ प्रश्न बनाए गए हैं आप उनके उत्तर दीजिए यह पाठ किस घटना पर आधारित है उत्तर भोपाल गैस कांड पर इस पाठ में कौन अपनी यादें लिख रही है उत्तर एक लड़की जो गैस कांड में पीड़ित हुई थी इस घटना में लड़की के अब्बू का क्या हुआ उत्तर उनकी मृत्यु हो गई नर्सिंग होम किसे कहते हैं उत्तर अस्पताल को उस पीड़ित लड़की को क्या क्या तकलीफें थीं उत्तर शरीर में सूजन चलने में कष्ट सांसें फूलना होश खो देना आदि लड़की की मां ने उसका इलाज किस तरह करवाया उत्तर मेहनत मजदूरी करके लोगों से उधार मांग के उस लड़की को किस प्रकार की दवाओं से काफी फायदा हुआ उत्तर आयुर्वेदिक दवाओं से लिंक एच आई डॉट W I K I P E D I A डॉट ओ आर जी स्लैस डब्ल्यू I के कांड पर जाकर उन्नीस सौ चौरासी के भोपाल गैस कांड के बारे में और जानकारी हासिल कीजिए आज के कार्यक्रम में हमने सीखा कि गद्य रचना का आदर्श पाठ कैसे किया जाता है रचना में आए नवीन शब्दों का क्या अर्थ है और उनका वाक्यों में प्रयोग कैसे किया जाता है रचना में व्यक्त संदेश से अवगत हुए संस्मरण विधा की मुख्य विशेषताओं से अवगत हुए गद्य में मुहावरों के प्रयोग से अवगत हुए आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे किसी नए पाठ के साथ तब तक के लिए विदा धन्यवाद